मेरा ताल्लुक स्टोर से है। मैं यहाँ एक फोटो लेके आया जो हमारा अपना गिलगित बल्तिस्तान का सकाफत है, हमारी पहचान है। हमारे गिलगित के लोग अक्सर यानी 90% हमारी ये टोपी और शर्ट हमारी शनाख्त होती है। तो चोगे जिसको हम शुका भी बोलते हैं, शुका है, अच्छा टोपी है, शराबें हैं, दास्ताने होते हैं, अच्छा इसी किस्म के बहुत सारे जो हमारे लोकल लोग हमारे ज़मींदार बनाते हैं, हमारे लोग बनाते हैं और लोग पसंद और शौक के साथ इसको पहनते भी हैं और खुशी महसूस कर रहे, फ़ख्र महसूस कर रहे। और हमें अपने आप से हमें मोहब्बत है, हमें खुशी है। हम मज़ीद चाहेंगे कि हमारे बाहर से आने वाले हमारे पाकिस्तानी लोग जो है हमारी टोपी ले जाएँ, शर्ट ले जाएँ। अब्बास साहब यहाँ बेहतरीन किस्म की टोपी बनाते हैं, मुख्तलिफ जगहों से ये यहाँ लाते हैं और बनाते हैं और लोग खुशी से इसकी दुकान से ले जाते हैं। मैं भी टोपी लेने के लिए आज इसकी दुकान में आया हूँ। तो मैंने एक टोपी ख़रीदी है और एक टोपी मैंने घर से वो लाया हुआ है। मैंने पटू इसको मैंने अब्बास भाई को दिया है, ये इंशाल्लाह खूबसूरत तरीके से बनाएगा। और एक ये मैं अक्सर इससे टोपी लेता हूँ, यहाँ बेहतरीन टोपियाँ मिलती हैं और सिलाई भी ये बेहतरीन करता है। इसका ताल्लुक नगर से है, मेरा ताल्लुक कस्तौर, लेकिन हमारा ताल्लुक जो है ये हमारे कल्चर की वजह से हम एक ही भाई हैं, एक ही घर के लोग होते हैं। हम लोग मोहब्बत प्यार से एक दूसरे से ले जाते हैं और खुशी में ये हमें देना पसंद करता है, हम इसे लेना पसंद करते हैं। हमारी बहुत ही खूबसूरत चीज़ें ये बनाते रहते हैं हमारे गिलगित के भाई, हमारे लिए खूबसूरत तरीके से ये टोपियाँ बनाते हैं। सबसे पहले ये पेड़ का फूल से ये बनाते हैं, फूल से हमारे पुराने कदीम का माओं ने दादियों ने इसको धागा बनाते हैं अपने वो कारीगरी से। फूल से धागा बना के फिर एक बंदा होता है उसको हम ब्योट कहते हैं, वो फिर इसको वो धागा दिया तो उसने फिर ये पटू बनाता है। इस तरह वो पटू बनाया तो फिर वो पटू हमारे पास से परचेज़ के लिए हमारे पास लाते हैं। देहादू में बनता है अक्सर, देहात इलाकों से बना के लाते हैं इधर, हम इनसे खरीदते हैं, खरीद के फिर हम यहाँ से बाहर करते हैं। इससे थोड़ा बात सुनना बहरहाल, ये पटू बाहर से ज़मींदार लोग ही लाते हैं, देहात इलाका से ज़मींदार लाते हैं, ये घरों में ही बनता है, ये मतलब हैंडमेड होता है, खेड़ी का बनाते हैं। उन्होंने इधर लाया तो ये इधर खुद में सिलाई का, तो ये मेरा दादा की मशीन है, ये कोई 200 साल पुराना मशीन है, इसी से हम फिर इसको फिर बना के यहाँ फरोख करते हैं ग्राहक को, उनके फरमाइश के मुताबिक बनाते हैं साइज़ मुख्तलिफ साइज़ों में। छोटे
हर बंदा के नाप का होता है ये, उसी के नाप के डाल के इसको फिर इस तरह हम फोल्ड करके, हाँ ये हो गया। जो भी अभी तैयार कर रहा हूँ मैं, ये हो गया सर जो भी कपड़ा तैयार। सर ये ढूंढते हैं ना या फिर फिट के या बहुत मेहनत से आपने होशियारी के साथ नफीस तरीके से आपने मेरे टोपी तैयार किया जी, बहुत शुक्रिया। 2000 रुपये साहब के लिए मुनासिब करके 2000 के मिल जाएगा। वाकई 2500-3000 मुख्तलिफ प्राइस में होता है सब ये चीज़, जैसे कपड़ा अच्छा होगा इसी तरह नरम होगा, अच्छा होगा, कलर सही होगा, इतना महंगा होता है।